दोस्तों, अगर आप भी OBS स्टूडियो को यूज करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। OBS 28 आने वाला है, अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है, इसका बेटा वर्जन आ चुका है। तो बेटा वर्जन में कौन कौन से नए नए फीचर है, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। OBS 28 के अंदर ऐसे कौन कौन से फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, तो चलते हैं अपने PC पर। सबसे पहले हम यहाँ पर OBS 28 को इंस्टॉल करेंगे। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, आप इस वेबसाइट पर यहाँ पर पहुँच जाओगे। अब आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ जाना है, बिल्कुल नीचे की तरफ आपको यहाँ जाना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा एसेट्स का, इसमें जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आ रहा है इसे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे, एक exe फाइल आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद ये डाउनलोड हो चुकी है, उसके बाद यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे और ओपन पर आपको क्लिक कर देना। यहाँ फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। OBS 28.0.0 बेटा 1 हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल हो चुका है। इसके अंदर आपको बहुत सारे नए चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो चेंजेस मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लगे और सबसे ज्यादा यूजफुल है, उन्हीं के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो यहाँ पर जो इसके अंदर सबसे पहला चेंज किया गया है वो है इसकी नई थीम, जो कि है यामी डिफॉल्ट थीम। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो एक नई थीम इंट्रोड्यूस की गई है, यामी डिफॉल्ट थीम। अब ये थीम काफी नीट एंड क्लीन थीम है। इसके अलावा हाई रेजोल्यूशन में आपको इसकी स्क्रीन दिखाई देगी। साथ ही साथ यहां पर आप देख रहे हो जो हमारे सीन्स हैं, सोर्सेज हैं, इनकी बैकग्राउंड अब आपको इस तरह से दिखाई देगी। तो ये थीम भी काफी बढ़िया लग रही है और काफी हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन में आपको यहां पर ये दिखाई देगा, इसका पूरा सिस्टम, पूरा इंटरफेस। और यहां पर इसके अंदर जो दूसरा चेंज किया गया है वो है एप्लीकेशन ऑडियो कैप्चर। तो यहां पर सोर्सेज के अंदर प्लस के बटन पर आप क्लिक कीजिए, सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एप्लीकेशन ऑडियो कैप्चर। पहले इस फीचर को यूज करने के लिए हमें इसकी प्लगइन को इंस्टॉल करना होता था, लेकिन अब OBS 28 के अंदर ये बिल्ट इन दे दिया गया है। बहुत ही कमाल का ये फीचर है। इस पे मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप सीख सकते हो कि कैसे आप सेपरेट कर सकते हो अपनी ऑडियो को, अपने सोर्स की ऑडियो को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर जो तीसरा चेंज किया गया है वो भी काफी कमाल का चेंज है, ये है स्प्लिट रिकॉर्डिंग। यहां पर आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको आउटपुट पर क्लिक करना है, रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है। अब आपको यहां पर एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहां पर आप देख रहे हो ऑटोमेटिक फाइल स्प्लिटिंग, यानी अब यहां पर आप फाइल को स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट का मतलब यह है जैसे आप कोई गेम रिकॉर्ड कर रहे हो, एक घंटे की गेम रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उसमें क्या होता था, एक घंटे की आपकी रिकॉर्डिंग होती रहती थी और पूरा एक घंटे का क्लिप आपका तैयार हो जाता था, जिससे उसका फाइल साइज बहुत ज्यादा हो जाता था और उसे बाद में एडिट करना काफी मुश्किल होता था। लेकिन अब आपको यहां पर ऑप्शन मिल रहा है स्प्लिट बाय साइज, स्प्लिट बाय टाइम और ओनली स्प्लिट मैनुअल, यानी अब यहां पर आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे आप यहां पर मान लो स्प्लिट बाय टाइम अगर आप सिलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद आपने सिलेक्ट कर लिया कि 15 मिनट आपने यहां पर सिलेक्ट कर लिया, तो अब इससे होगा क्या, आपकी जो रिकॉर्डिंग चल रही है वो 15 मिनट बाद अलग क्लिप में रिकॉर्ड हो जाएगी, यानी 15 मिनट की जो रिकॉर्डिंग होगी वो अलग हो जाएगी, अलग क्लिप क्रिएट हो जाएगा उसका, जिससे उसका साइज भी कम रहेगा और उसको आप इजीली एडिट कर पाओगे, बाद में अपने वीडियो एडिटर में इजीली एडिट कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पर आप स्प्लिट बाई टाइम भी कर सकते हो और स्प्लिट बाई साइज भी कर सकते हो। आपने अगर यहाँ पर साइज सिलेक्ट कर लिया, मान लो आपने यहाँ पर 1 GB सिलेक्ट कर लिया, तो जैसे ही 1 GB कंप्लीट हो जाएगा तो वो 1 GB का क्लिप है वो अलग सेव हो जाएगा और उसके बाद आगे की रिकॉर्डिंग चलती रहेगी, और फिर से जब 1 GB कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से एक अलग क्लिप क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्प्लिट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है ये भी मुझे काफी कमाल का लग रहा है, इससे हमें अपनी रिकॉर्डिंग को एडिट करने में काफी आसानी हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो अगला चेंज हुआ है वो है रीसाइज का। तो रीसाइज करने में आपको काफी आसानी होने वाली है। जैसे सोर्स में मान लो हम कोई इमेज ऐड कर रहे हैं, यहां पर मान लो कोई भी सोर्स हम ऐड कर रहे हैं, कोई इमेज यहां पर अगर हम ऐड कर रहे हैं, मान लो ये इमेज मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं, उसके बाद ओके कर देते हैं, तो आप देख रहे हो यहां पर अब जो हमारी इमेज है इस तरह से अब आपको यहां पर ये दिखाई देने लगेगा। अब आप देख रहे हो जो इमेज हमें यहां ऐड करनी है, कोई भी सोर्स अब आप ऐड करोगे तो यहां पर अब आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पहले ये ऑप्शन नहीं था, पहले जब आप स्ट्रीम लैब वगैरह यूज करते थे तो उसके अंदर आपको इस तरह का ऑप्शन दिखता था, लेकिन अब यहां पर OBS 28 के अंदर भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप यहां पर इसे इजीली रिसाइज कर सकते हो, कहीं पर भी इसे लगाना हो इस तरह से आप इसको रिसाइज कर सकते हो। तो ये ऑप्शन भी
काफी बढ़िया मुझे लग रहा है। इसके बाद जो इसका अगला चेंज है वो है कैमरा से रिलेटेड, वेबकैम से रिलेटेड है। यानी जो आप वेबकैम या अपना कैमरा इसके अंदर ऐड करते हो तो अब आपकी जो कैमरा की सेटिंग है वो आपके OBS स्टूडियो के अंदर सेव रहेगी। जैसे मान लो यहाँ पर आप प्लस के बटन पर क्लिक करते हो, यहाँ पर वीडियो कैप्चर डिवाइस पर क्लिक करके अगर आप अपने कैमरे वगैरह को ऐड करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर अपना कैमरा ऐड कर दिया, तो यहाँ पर जब आप कॉन्फिगर वीडियो पर क्लिक करोगे इस तरह से पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है और जो भी सेटिंग्स आपको यहाँ करनी है, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, जो भी आप यहाँ पर सेट करोगे तो वो सारी सेटिंग अब OBS स्टूडियो के अंदर सेव रहेंगी। तो यहाँ पर जो आपने अपने वेबकैम की सेटिंग्स की वो सारी सेटिंग्स अब OBS 28 के अंदर सेव रहेंगी। यानी जब भी आप अगली बार अपना OBS स्टूडियो यूज़ करोगे तो आपको कैमरे की सेटिंग बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, जो कुछ भी सेटिंग आपने कर दी, सेव कर दी, वो अब आपके OBS 28 के अंदर सेव रहेगी। इसके अलावा इसके अंदर जो अगला चेंज किया गया है वो है HDR रिकॉर्डिंग का। अब आप OBS 28 के अंदर HDR मोड में रिकॉर्डिंग कर पाओगे। और यहाँ पर हमें इसका जो अगला चेंज देखने को मिलने वाला है वो है इसका UI अपडेट Qt 6। अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हो, विंडोज 8 यूज कर रहे हो, Mac 10.13 यूज कर रहे हो, Mac 10.14 यूज कर रहे हो, या फिर आपका सिस्टम 32 बिट का है, तो आप OBS स्टूडियो को अब यूज नहीं कर पाओगे। तो ये अपडेट मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। अब OBS स्टूडियो के अंदर आप NVIDIA RTX का जो ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप अपने वेबकैम की बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, आप अपनी ऑडियो की नॉइज को रिमूव कर सकते हो, ये फीचर अब आपको बिल्ट इन मिल जाएगा आपके OBS स्टूडियो 28 के अंदर। अगर आपके सिस्टम में जो ग्राफिक्स कार्ड है वो NVIDIA RTX वाला ग्राफिक्स कार्ड है तो ये फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें और भी कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि OBS वेव सॉकेट का ऑप्शन भी अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टूल्स पर आप क्लिक करो, OBS वेव सॉकेट सेटिंग्स यहाँ पर दी गई है, इस पर क्लिक करके आप OBS वेव सॉकेट सेटिंग्स को यूज करके इसे भी यूज कर सकते हो। तो ये फीचर भी यहाँ पर अब बिल्ट इन दे दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक अगला चेंज आपको देखने को मिलेगा वो है YouTube चैट मैसेज का ऑप्शन। इसके अलावा यहाँ पर हमें नेटिव SRT आउटपुट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, ये भी काफी इंप्रूव होके आ रहा है। अगर आप SRT आउटपुट यूज करते हो तो आपके लिए ये भी काफी यूजफुल चेंज होने वाला है। अब यहाँ पर आप एनकोडर में देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ नए ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, SVT AV1 AOM AV1 ये सारे ऑप्शन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर नेटिव AMD एनकोडर का ऑप्शन मिलने वाला है, एप्पल VT एनकोडर का ऑप्शन मिलने वाला है। अब यहाँ पर आपको इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है एसेसिबिलिटी का, एसेसिबिलिटी पर आप क्लिक करो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे जो आपका सोर्स बॉर्डर है उसके कलर को चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन भी इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो OBS स्टूडियो 28 है ये फिलहाल बेटा फॉर्म में है, इस पर टेस्टिंग वगैरह चल रही है, बहुत सारे चेंजेस इसके अंदर होने वाले हैं, कुछ बग्स वगैरह हैं उन्हें भी फिक्स करने पर सब काम चल रहा है। और हर महीने यहाँ पर कोई ना कोई अपडेट इसके अंदर आता रहेगा, कोई भी नया चेंज होगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा OBS स्टूडियो का जो लेटेस्ट वर्जन आने वाला है OBS 28, उसके अंदर हमें काफी बढ़िया बढ़िया फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। आपको इनमें से कौन सा फीचर सबसे ज्यादा बढ़िया लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपका OBS स्टूडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।